भी बहुत मेरे ख्याल मैं था मेनू तो इस गल का याद नहीं है लेकिन 45 रुपए डॉलर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जाने की 10 साल पहला इना 10 साल अज 9 साल बीते देश के प्रधानमंत्री और मैनू कहते डॉलर मैं याद है देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण कि डॉलर महंगा हो रहा है उसको रोका जा सकता है तुम रोक सकते अज तुम देख लो तो कोई जवाब नहीं दे रहे कहने का मतलब यह है मैं देश के प्रधानमंत्री की किसी प्रकार की निंदा नहीं करता क्योंकि वह साढ़े देश के प्रधानमंत्री है लेकिन यह जरूर कहना चाहवागा उन्होंने कि यू आर नॉट मास्टर इन एवरीथिंग हर चीज के तुम मास्टर नहीं हो कोई भी देश का प्रधानमंत्री ज टॉप पोस्ट से जब पैंदा है उन्होंने हर चीज की नॉलेज नहीं है हर फील्ड की थोड़ा खेती के तुम कानून बनाते क्या कि नहीं किसान खुशहाल होगा मेरे को पता है इस बात का तुम अपने मन की बात कहती लेकिन जोड़ा किसान जरा खेती करने वाला सीगा, वो कहना भी इस कानून के नाल असी मारे जावांगे जरा किसान सीगा, देश का किसान नू तुसी 8 महीने साल 1.5 साल तुसी बॉर्डर ते बिठाई रखिया तुसी कानून वापस ही लेना सी तुसी उदे ही देखो कि देश का किसान ये डिमांड कर रहा तो वापस ले लेंगे सो सेम तुसी नवी पार्लियामेंट बना ली हुण देश की नवी पार्लियामेंट ते करोड़ों रुपया अरबों रुपया लग गया हाँ ये जरूर है कि मेरे समय में देश की नहीं हमने पार्लियामेंट बनाई पार्लियामेंट 70 साल तो जी पार्लियामेंट चलती आ रही है और देश का संविधान बनिया उ बाबा साहब अंबेडकर ही बैठे उ जवाहर लाल नहरू हरा ने हाँ कानून बनाए मेरे कहने का मतलब यह है कि नवी जी पार्लियामेंट है उत्थे किसी बोलने का तो अधिकार नहीं थोड़े सामने राहुल गांधी जो बोले 2 साल की सजा हो गई उन्होंने डिस्कालीफाइड करता पार्लियामेंट हो चाहे पुराना ढांचा होवे पुराने बेंच होन पुराना सिस्टम होवे लेकिन उहदे विच देश दे लोगां दे लई कानून बनने चाहिए देश दे हित दी गल होनी चाहिए हर व्यक्ति नूं आपदी आवाज बुलंद करन दा हक होना चाहिए ना कि तुसी मखमली फर्नीचर मखमली उत्थे गलीचे मखमली उहनिया तुसी छत्तां बहुत सारा अरबां रुपया सोहणे सोहणे मार्बल ला के तुसी इह कहो कि देश दी मैं पार्लियामेंट बनाई सो मेरी तो यही बेनती है कि इहो जिहे काम दे नाल देश होर बहुत नीचे आ जाए बहुत मेरे ख्याल मैं मेनू तो इस गल का याद नहीं है लेकिन 45 रुपए डॉलर डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जाने की 10 साल पहला इना 10 साल अज 9 साल बीते देश के प्रधानमंत्री और मैनू कहते डॉलर मैं याद है देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण कि डॉलर महंगा हो रहा है उसको रोका जा सकता है तुम रोक सकते अज तुम देख लो तो कोई जवाब नहीं दे रहे कहने का मतलब यह है मैं देश के प्रधानमंत्री की किसी प्रकार की निंदा नहीं करता क्योंकि वह साढ़े देश के प्रधानमंत्री है लेकिन यह जरूर कहना चाहवागा उन्होंने कि यू आर नॉट मास्टर इन एवरीथिंग हर चीज के तुम मास्टर नहीं हो कोई भी देश का प्रधानमंत्री ज टॉप पोस्ट से जब पैंदा है उन्होंने हर चीज की नॉलेज नहीं है हर फील्ड की थोड़ा खेती के तुम कानून बनाते क्या कि नहीं किसान खुशहाल होगा मेरे को पता है इस बात का तुम अपने मन की बात कहती लेकिन जोड़ा किसान जोड़ा खेती करने वाला सीगा, वो कहना भी इस कानून के नाल असी मारे जावांगे जोड़ा किसान सीगा, देश का किसान नू तुसी 8 महीने साल 1.5 साल तुसी बॉर्डर ते बिठाई रखिया तुसी कानून वापस ही लेना सी तुसी उदे ही देखो कि देश का किसान ये डिमांड कर रहा तो वापस ले लेंगे सो सेम तुसी नवी पार्लियामेंट बना ली हुण देश की नवी पार्लियामेंट ते करोड़ों रुपया अरबों रुपया लग गया हाँ ये जरूर है कि मेरे समय में देश की नहीं हमने पार्लियामेंट बनाई पार्लियामेंट 70 साल तो जी पार्लियामेंट चलती आ रही है और देश का संविधान बनिया उ बाबा साहब अंबेडकर ही बैठे उ जवाहर लाल नहरू हरा ने हाँ कानून बनाए मेरे कहने का मतलब यह है कि नवी जी पार्लियामेंट है उत्थे किसी बोलने का तो अधिकार नहीं थोड़े सामने राहुल गांधी जो बोले 2 साल की सजा हो गई उन्होंने डिस्कालीफाइड करता पार्लियामेंट हो चाहे पुराना ढांचा होवे पुराने बेंच होन पुराना सिस्टम होवे लेकिन उहदे विच देश दे लोगां दे लई कानून बनने चाहिए देश दे हित दी गल होनी चाहिए हर व्यक्ति नू आपदी आवाज बुलंद करन दा हक होना चाहिए ना कि तुसी मखमली फर्नीचर मखमली उत्थे गलीचे मखमली उहनिया तुसी छत्तां बहुत सारा अरबां रुपया सोहणे सोहणे मार्बल ला के तुसी इह कहो कि देश दी मैं पार्लियामेंट बनाई सो मेरी तो यही बेनती है कि इहो जिहे काम दे नाल देश होर बहुत नीचे आ जाए।